लेक्चर टू देखिए इधर। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था, राइट? आईडी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये इसका फ्रेम सेट करना है यार। हमने लास्ट क्लास में आईडी देखा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी और इसकी कॉन्टिन्यूटी देखी। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था अकेला आई कॉन्स्टेंट नहीं है, आईडी कॉन्स्टेंट सॉरी कॉन्टिन्यू नहीं है। हम लोगों ने बीडीएल को क्या लिखा, म्यू नॉट आई प्लस आईडी। इतना लाइटली मत लेना इस चैप्टर को कि इसके क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे से। अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूं, देखो इसमें सबसे पहले टॉपिक 3 लिख रहा हूं मैं, मैक्सवेल की इक्वेशंस। कितनी थी, कितनी इक्वेशन है मैक्सवेल की? चार। पहला बोलो ई डॉट डीएस कितना आया, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पहली इक्वेशन है। ये कौन सा लॉ था, गॉस लॉ। सेकंड, मैग्नेटोस्टैटिक बीडीएस क्या आ गया, जीरो आ गया। थर्ड क्या थी, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। कौन है, ये फेराडे का लॉ है ना यार, प्लीज खड़ा हो तू वहां से, चल कुछ पीछे चल, पीछे चल, खड़ा हो खड़ा हो। फोर्थ क्या आएगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ये मैक्सवेल की चार इक्वेशन। आपको आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है याद रखना। जब भी कोई सरफेस का इंटीग्रल जीरो आता है तो वो कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब ये क्या है, बी क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस। इसका मीनिंग क्या है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैं हर इक्वेशन का मीनिंग समझा रहा हूं, पेपर में आएगा कि ये इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रही है। सो मोनोपोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पर हाँ एक इसको बंद करिए एक बार, सीधा देखिए इसका मीनिंग समझिए। क्या यहाँ पे ये जो सरफेस का इंटीग्रल है ये जीरो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। यहाँ सरफेस का इंटीग्रल जीरो आ रहा है, यहाँ सरफेस का इंटीग्रल जीरो नहीं आ रहा है, ये क्या है, फ्लक्स होता है। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो ये ई कॉन्टिन्यूअस, मतलब आप यहाँ क्या देखते हो, प्लस से जाती है माइनस, माइनस से प्लस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नहीं जाती। क्या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, तो वो कॉन्टिन्यूटी ये चीज प्रूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या करती है, इसका मीनिंग क्या समझाया, हमारे नोट्स में क्या लिखा, इधर एक स्टेटमेंट डाली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब यहां पे फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाएंगी, फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नेगेटिव जा रही है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रही। उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन देखो क्या करना है, मैंने पोटेंशियल के चैप्टर में वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखवाया था, ये तुम्हारे नोट्स में ये मेंशन नहीं है, ये चीजें जो एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो डायरेक्ट लिखी हुई है, वो कैसे लिखी हुई है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। मैंने आपको समझाया था कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, क्या होता है ये, वर्क डन, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज नोन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो V को हमने W लिखा इधर, ये कहां से आया ये फॉर्मूला, वैसे E की वैल्यू क्या है, माइनस dV बाय dr, dV इधर रखो माइनस edr, माइनस का साइन हटाओ edr दिख रहा है, dV है ना, dV ले अब सही है। तो dV दोनों साइड इंटीग्रेट किया edr, ये dr जो है ये एक लेंथ है, लेंथ dl जैसी, तो dr एक लेंथ है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या दे रहा है ये तुम्हारे को, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कितना होता है, फ्लक्स होता है। इसको ध्यान रखना प्लीज, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लाइन इंटीग्रल आता है वर्क डन और सरफेस इंटीग्रल आता है ये फ्लक्स आता है।
यहां पे मुझे क्या करना है, ये ई है, कौन है ये, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। दिमाग खराब हो गया ना, मैं बता रहा हूं, क्लाम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब मैं इसको भी कैसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या लिखूं मैं इसको, बोलो, ई डॉट डीएल लिख दूं, ई डीएल ऐसा लिख दिया मैंने इसको। वो वी है, वी को मैंने ई डीएल लिखा, और वी को ही मैंने क्या बोला, क्योंकि वी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो दैट इज डब्ल्यू। तो ई डीएल क्या आएगा बोलो, माइनस डी बाय डी टी। फाई क्या होता है, बी डी एस होता है, क्या बी डी एस ऐसा होता है ना, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसा होता है। इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, ये जो बी है क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, जब बी टाइम के साथ चेंज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और इस चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। और इस पूरे चैप्टर का समरी भी यही है, बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और बाय चेंजिंग द बी वी कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। उल्टा है, तो एक दूसरे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन कहां से आई थी, कौन है ये फैराडे का लो है, फैराडे इज लो। ये फैराडे लॉ ने ये बताया कि बाय चेंजिंग द बी वी कैन इंड्यूस ई। तीन इक्वेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई, पहले ने क्या बताया, फिल लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं पर क्लोज लूप नहीं बनाती, यहां पे क्लोज लूप, यहां क्लोज लूप बनाती हैं और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से बताया कि बाय चेंजिंग द बी, बाय चेंजिंग बी वी कैन प्रोड्यूस ई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, बाय चेंजिंग बी वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, डन। और इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, ये कल पूरा एक लेक्चर इस पे चला, ये कहां से आया, बीडीएल क्या था, म्यू नॉट आई था, मैक्सवेल ने क्या ऐड किया इसके अंदर, आई डी। प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, वो कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए ऐसा किया। उसके बाद आइए टॉपिक नंबर थ्री, सिंपली इतना पढ़िए। टॉपिक फोर, वापस आते हैं ईएम वेव के ऊपर, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं वो डिराइव कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारे नोट्स में डिराइव किए हैं। कल मैंने ईएम वेव के बारे में क्या क्या बताया तुम्हें, हमने बताया कि इसके अंदर कौन कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसके, और किसके परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। मैं दोबारा बता रहा हूं सारी चीजें, डिस्कशन किया था इसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। ईएम वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, इसकी वैल्यू हम सी से दिखाते हैं, डन। अच्छा, एक मैंने कल एक वर्डिंग लिखी थी कि जो वेव होती है, वेव वो क्या होती है, डिस्टर्बेंस, वो क्या लेके चलती है, एनर्जी लेके चलती है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या इस वेव के साथ कितनी फील्ड एसोसिएटेड है, दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाली जो एनर्जी थी वो कितनी थी, याद है तुम्हें, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते लो, क्योंकि ई आना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई आना चाहिए। इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये एनर्जी जो है ये दो तरीके की है, एक कौन सी, इलेक्ट्रिकल, और एक कैसी है, मैग्नेटिक। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या होता है ये, एनर्जी की डेंसिटी होती है, एनर्जी बटे में वॉल्यूम, और ये यहां पे क्या बनता है, बी स्क्वायर बाय 2 μ₀। तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स में भी। मेरे पास एनर्जी आई थी कैपेसिटर में, देखो ये चीजें डिराइव कहां से होती हैं, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी बटे में वॉल्यूम। अब कैपेसिटर में एनर्जी कितनी निकाली थी, हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना है, ए, गैप कितना है, डी, मुझे एनर्जी की डेंसिटी लिखनी है,
इसका मतलब मुझे एनर्जी बटे में वॉल्यूम लिखनी है, और वॉल्यूम इसकी कैसे लिखेंगे, ए इंटू डी करके, एरिया इंटू विड्थ। तो यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितने लिखे, ए इंटू डी, डन। सी की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू डी, सही है। और क्या था इसके अंदर, यही था ना, ए इंटू डी। तो मुझे आंसर क्या लाना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या होता है यहां पे, ई वी बाय डी होता है, ई क्या होता है, वी बाय। आप इसको सोल्व करके देखो, आपको यही चीज देखने को मिलेगी, v बाय डी का होल स्क्वायर। तो ये चीज यहां से आती है। अच्छा, मैग्नेट वाले चैप्टर में जो एनर्जी आई वो किस में आई, इंडक्टर में। यही एनर्जी मैं b वाली लू तो ये आई थी हाफ एल आई स्क्वायर, और ये किसकी आई थी, इंडक्टर में। क्या इंडक्टर ऐसा होता है, इंडक्टर ऐसा होता है, तो ये क्या आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, लेंथ कितनी है एल, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, ए इंटू एल। और ये जो एल है इस सोलेनोइड के लिए याद है तुम्हें कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये हमने निकाला था। जब इसमें पुट करोगे अगेन यू विल फाइंड दिस वन, बी स्क्वायर बाय में टू म्यू नॉट, सही है। तो ये क्या पढ़ना है, दो डेरिवेशन जो पहले आया करती थी अब नहीं आती तुम लोगों की, वो कौन सी डेरिवेशन है पहले वो सुनिए। इस ईएम वेव से रिलेटेड दो चीजें हैं, पहली ये जो सी है ना, इसकी वैल्यू होती थी वन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये डिराइव करना होता था हम लोगों को। ये कहां से आया, अभी कोई नीड नहीं है डिराइव करने की, वन बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू कौन है, परमियाबिलिटी, और ये क्या, परमिटिविटी। जब आप इसको सोल्व करोगे बताना म्यू नॉट कितना आएगा, कितना होता है म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यूनिट बताना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, सही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10^-12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब आप ये वाली वैल्यूज भरोगे ना इधर, तो आपकी यही वैल्यू निकल के आएगी। तो पहले ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव किया करते थे, अभी हम लोगों को नहीं करना है, एक ये चीज पढ़नी है। दूसरा, सेकंड, मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स, उसका मीनिंग क्या था याद है, ट्रांसवर्स का मतलब था अगर तुम्हारी वेव इधर जा रही है और मीडियम में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बात समझ में आई। तो ये ट्रांसवर्स नेचर है, ये ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करनी होती थी पहले, मतलब यहां पे सेकंड क्या है, ट्रांसवर्स नेचर। अभी हम लोगों को इनकी नीड नहीं है इतने बड़ी बड़ी डेरिवेशन की, तो हम इनको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, तुम्हारा काम इससे वैसे भी चल जाएगा। लेकिन जो ये वाली डेरिवेशन थी ना, यहां से एक रिलेशन निकल के आया था, वो रिलेशन क्या था कि जो ई होती है यानी कि कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सी टाइम्स होती है बी के। इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला आप इसको मान सकते हो। देखो, अगर मान लीजिए आपको दे दे कि कोई वेव है ईएम वेव, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी है और वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो बताइए उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप ये लगा के निकाल सकते हो। तो ई दे दिया तो बी आ गया, बी दे दिया तो ई आ गया। तो मैंने दो डेरिवेशन स्किप की है ये दोनों, पर इनके रिजल्ट देख लो, यहां से ये आता था और यहां से ये निकल के आता था, हम इसका यूज करेंगे। अब एक बार ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए E इक्वल्स टू सी बी है, मैं भी आप लोगों को रिसेंटली एसी का चैप्टर पढ़ा के आया, उसमें आपने अलग अलग वैल्यूज देखी, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब आई। अगर मेरे को ये ई आरएमएस चाहिए तो पक्का ये बी भी क्या होगी, आरएमएस। अगर मेरे को इसकी पीक वैल्यू चाहिए तो ये भी क्या होगी, पीक वैल्यू। तो जहां जैसी नीड हो आप उसमें वैसा वैसा रिप्लेस कर सकते, आ रहा समझ में। और आरएमएस की वैल्यू कितनी निकला करती थी याद है तुम्हें बेटा, ई आरएमएस कितना निकाले थे, ई नॉट बाय रूट टू, ये रिलेशन होता है, आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का बाय रूट टू होती है। तो यहां पे हमें यूज करनी पड़ सकती है कभी भी। दो, अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला, ये कब है, जब वैक्यूम है,
ये नॉट दिखा रहा है वैक्यूम को, यानी कि खाली स्पेस में इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा नीट में ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, वो ये फॉर्मूला लिखता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है। क्वेश्चन था यू का यू, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन बाय सी इक्वल्स टू 1/√μ0ε0, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी। बच्चे क्या करने लगे, सी के फॉर्मूले में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया, इनके डायमेंशन फॉर्मूले भरने लग गए और उससे सी निकालने लग गए, उससे सी का डायमेंशन। बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड स्पीड होती है ना, उससे कोई फर्क तो स्पीड है, तो इसका L1T-1 ही डायमेंशन होगा इसका, ठीक है। तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां देखिए, अगर मान लीजिए मीडियम आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर मेरे को निकालनी हो तो कैसे करना है, अगर मेरे को v निकालना है, v मतलब v इज नॉट c, नाउ c पहले 3 × 10⁸ हम डिफाइन करें, यहां पे v कितना आएगा, यही फॉर्मूला म्यू आ जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा, और आपने दोनों चैप्टर्स में पढ़ा जो एप्सिलॉन होता है वो εo × εr होता है, और ये म्यू क्या होता है, μ0 × μr होता है। क्या ये जो रिलेटिव परमिटिविटी और परमेबिलिटी है ये क्वेश्चन में गिवन होती है, यस ये गिवन होती है, ना दे तो निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पे देगा कि एक ऐसा मीडियम है जिसका परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इतना है और रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, देन फाइंड आउट। सो यहाँ पे देखो, 1 बाय क्या भरूँ इसको, μ0 μr εo εr, तो आप इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय μ0 εo 1 बाय μr εr, ये तो देखा है ना हमने, ये c है, तो यहाँ पे कितना आ गया, c बाय में μr εr, तो वेलोसिटी इन एनी मीडियम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आया समझ में, ठीक है। आप लोगों ने ये एक पार्ट हो गया ईएम वेव के बारे में, ईएम वेव के बारे में मैंने क्या बताया, ट्रांसवर्स होती है, जब हम ये प्रूव किया करते थे तो हमारा ये रिलेशन आता था E=cb। दूसरा, हम लोगों को ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वाली और ये मैग्नेटिक एनर्जी, ये दोनों सेम है, ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप, क्या करो, यहाँ पे E की वैल्यू CB भर दो और यहाँ पे B की वैल्यू E बाय C भर दो। जब आप इसमें ऐसा ऐसा भरोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आएगा, निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए भरना यहाँ से, कितना आया यू, ये एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, 1/2εo E² तो हमने क्या किया, 1/2εo E की वैल्यू बोलो C²B² डन। तो ये जो C की वैल्यू है ये कितनी थी, 1/√μ0ε0 भर दो यहां पे, तो 1/2εo ये आ गया, 1/μ0ε0 ये आ गया, B², ये कट गया, तो ये सेम आ गई ना। तो इसका मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है और जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। सो ये आ गया B²/2μ0। और आप ऐसा ही काम यहां भी कर सकते हो, यहां करके देखो एक बार, बी में ये क्वेश्चन क्या है, ई के साथ जो रिलेटेड है और बी के साथ जो रिलेटेड है वो दोनों एनर्जी सेम है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव एक तो ये हो गया, और इसमें करना बी कितना है, यहां से E/C, तो E²/C²/2μ0, ये μ0, सी की वैल्यू फिर से भर दो, दोबारा भरो इसको, इसको सोल्व करके आएगा 1/2εo E², पुट सी हियर, सी की वैल्यू ये रही, ये भरोगे दोबारा ये आ जाएगा। इसका मतलब जो यू इलेक्ट्रिक फील्ड की थी और यू जो किसकी थी, ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, ये तो कॉन्टिन्यूटी यहां भी दिख रही है तुम्हें, यार समझ गए, ये सेम सेम एनर्जी है दोनों, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए इंटेंसिटी। देखो अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा सा, कुछ चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, पढ़ा है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। डी ब्रोगली ने बताया कि पार्टिकल भी है और वेव भी है,
लेकिन ये थ्योरी यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी ये जो ईएम वेव हम पढ़ रहे हैं, कर दो इसको इरेज, किसी को लिखना है? आपने ये फॉर्मूला देखा है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, देखा है? तो यहां पे न्यू जो होता है वो कितना होता है, एच सी बाय लेमडा। और अगर आपको याद हो तो ये एनर्जी होती थी फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन इज ए पार्टिकल, फोटोन एक पार्टिकल है। आप सोचिए फोटोन पार्टिकल और उसकी एनर्जी की में, एनर्जी में कौन आ गया, लेमडा। ये जो थ्योरी डेवलप हुई है ना सारी, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है तुम लोगों का, ये क्या दिखाता है, कौन सी नेचर देता है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इफेक्ट विच रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जैसे वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तुम, वेव ऑप्टिक्स में डाइफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस ये सब पढ़ोगे, वहां पे कौन सी प्रूव होती है, वेव नेचर। और ये वाला इफेक्ट क्या देता है, अभी तुम नीट वालों में, नीट के क्वेश्चन पेपर में ऐसा देख लो, अगर आ जाता है कि इनमें से कौन सा फिनोमिना ऐसा है जो लाइट की पार्टिकल नेचर को डिपिक्ट कर रहा है, आपको चार फिनोमिना दे देगा जो आपने केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे और फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, मिस कर दोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी दिखाता है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ये दिखाता है। पर हमने ये देखा कि पार्टिकल के फॉर्मूले में लेमडा आ रहा है यार, ये जो लेमडा वेवलेंथ है ये तो एक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब किसी भी पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होती है कि नहीं होती है, जो मैटर वेव जो आप पढ़ते हो, डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव। तो यहां पे लेमडा ने हमें मजबूर किया। अच्छा ये देखो पी क्या है, एच बाय लेमडा। पी कौन होता है, पार्टिकल का मोमेंटम, केमिस्ट्री भी नहीं आती तुम लोगों को, ये दो ही तो फॉर्मूले थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और एक आइंस्टीन की इक्वेशन थी, क्या थी, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, नहीं देखी ये? तो यहां पे पी इक्वल टू एच बाय लेमडा, तो दोबारा इसमें भी क्या आ रहा है, लेमडा। तो ये सारी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि किसी पार्टिकल के साथ वेव जैसी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। तो यहां पे फिर डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आता है, देन वी रीड। अब यहां न्यू आया सी बाय लेमडा, तो इंटेंसिटी बताइए क्या होती है, कर दो उसको इरेज, देखिए इसको ये सॉल्व कर लेना अपनी रफ नोटबुक में। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है, आई डिफाइन क्या होती है, ये जब भी इंटेंसिटी आती है इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है, एक तरीके का फैलाव, एनर्जी का फैलाव। देखो यहाँ एरिया आ रहा है, आप अपनी टॉर्च को ऑन करके इसके बोर्ड के पास लेके आओ और फिर दूर लेके जाओ, देखो जो एनर्जी जाएगी फिर वो बहुत सारे एरिया में जाएगी, और जब पास आओगे तो बिल्कुल पॉइंट सा बन जाएगा लाइक, तो क्या बन जाएगी, वहां पे इंटेंसिटी छोटे एरिया में है तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और दूर जाओगे तो इंटेंसिटी को फिर एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। आ रहा समझ? तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिफाइन होती है। अभी मुझे किसकी इंटेंसिटी पढ़नी है, वेव की। वैसे समझा देता हूं तुम लोगों को, पहले मॉडर्न फिजिक्स में ये चीजें हम पढ़ेंगे। कोई भी पार्टिकल होता है ना बेटे, पार्टिकल उसकी एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रख लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ आए थे उनमें ये सारी चीजें हैं। क्या पार्टिकल जो है एनर्जी फ्रीक्वेंसी से निकाली जाती है, क्या ई इक्वल टू एच न्यू, देख लो फोटोन की एनर्जी में न्यू आया ना, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय बाय फ्रीक्वेंसी, और किसी भी वेव की एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इंटेंसिटी। दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना, किसी भी वेव की एनर्जी आपको निकालनी है यू विल टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव, लेकिन पार्टिकल की निकालनी है यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे लिखना वेव की एनर्जी, वेव की एनर्जी उसकी इंटेंसिटी से डिफाइन होती है, इंटेंसिटी से डिफाइन होती है। सही है? इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है हम डिराइव कर रहे हैं, देखना ध्यान से। हमने क्या मान लिया, कोई भी वेव है
वो इस पोर्शन में जा रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, और मैंने मान लिया इसको यहां से मतलब एनर्जी को यहां से यहां जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, और जो वेव जा रही है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है कितनी स्पीड से, सी की स्पीड से। तो सिंपली आप अगर आप ये लिखना चाहते हो, देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, यू इक्वल्स टू यू डी इंटू वॉल्यूम, कौन बताएगा ये क्या है? ये देखो ये मैंने एनर्जी लिखी, ये लिखा मैंने एनर्जी बटे में वॉल्यूम यू डी, और ये क्या लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया तो एनर्जी बचेगी, तो ये इक्वेशन तो सही है। अब मुझे ये यू डी वॉल्यूम लिखनी है, वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है यहाँ, लेंथ कैसे निकालोगे, सी इंटू, अरे स्पीड इंटू टाइम आएगा तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा एरिया इंटू लेंथ, ये जो लेंथ है ये कैसे निकाली, सी डेल्टा टी से निकाली, ये यू डी चल रहा है, ये यू आ गया, यू डी इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये एनर्जी आ गई। मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, ये चाहिए एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस साइड एरिया और टाइम है, ये रहा एरिया भी है और टाइम भी है, तो कितना आया ये। अच्छा इसको ना बहुत सारे बुक्स में एवरेज भी लिखा होता है, यू एवरेज जो लेते हैं, यू एवरेज ध्यान रखना, ये कौन है यू एवरेज, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहां पे कितना आया यू बाय में ए डेल्टा टी, उधर क्या बच गया यू एवरेज इंटू सी, ये बन गया, ये क्या है ये इंटेंसिटी बन गई, इंटेंसिटी इक्वल्स टू यू एवरेज इंटू सी है। एनर्जी डेंसिटी हमने कितनी देखी थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, जो भी ठीक लगे वो भर सकते हैं इधर, ये कौन कौन हो सकती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बाय में टू म्यू नॉट, यही काम करने है सभी न्यूमेरिकल में। तुम्हारी फाइल जो भेजी है उसमें 7-8 एग्जाम्पल दिए हैं, और पीछे मैंने एलन का एक बुकलेट का एक असाइनमेंट दिया है, उसमें हर तरीके का क्वेश्चन है, उसमें मैंने क्लब कर दिया था उसको, तो ये आई आ गया। अच्छा आई वैसे क्या बताया तुमने, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डन, ये क्या होता है पावर बाय में टाइम, थोड़े दिन में पता है क्या सुनूंगा मैं, सर मैंने शारदा बनेगा पावर, तो पावर बाय में एरिया, तो आई इज ऑल्सो डिफाइंड बाय दिस, और इसको आप याद करने के लिए पाई भी याद कर सकते हो, पाई पाई जैसा है ना ये प्रोनाउंसिएशन में, तो पावर एरिया इंटू इंटेंसिटी होता है, ये क्वेश्चन में यूज होगा बार बार, उतार लीजिए इसको। क्या आएगा यहाँ पे, एक टॉपिक प्रेशर, प्रेशर एंड मोमेंटम, प्रेशर एंड मोमेंटम एग्जर्टेड बाय ईएम वेव, फॉर एग्जांपल देखिए मान लीजिए ईएम वेव आपकी इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, ये देखो ये आ गया, ये कोई भी सरफेस है, और मान लीजिए इधर से कोई वेव आ रही है, वेव क्या लेके आती है एनर्जी, और मैंने मान लिया इसका जो मोमेंटम है एच बाय लेमडा है, मैंने अभी डिफाइन किया पी इक्वल्स टू एच बाय लेमडा, मैंने इस सरफेस को कैसा मान लिया रिफ्लेक्टिंग, जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप इसकी डायरेक्शन बनाओगे तो विद साइन बनाओगे, जब ये यहां से टकराएगी वापस रिफ्लेक्ट होगी तो वापस इसका जो मोमेंटम होगा वो माइनस एच बाय लेमडा होगा, समझ गए। अब मैंने इसका जो मोमेंटम है मुझे क्या देखना है, चेंज देखना है, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बताना, तो एच बाय लेमडा एक बार माइनस माइनस एच बाय लेमडा कितना आ गया, ये टू एच बाय लेमडा, दिस बताइए किसी भी वेव में, वेट, किसी भी वेव में फोटॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये किसकी एनर्जी है,
ये फोटोन की तो है ना, तो मतलब अगर मैं पार्टिकल्स की एनर्जी देखूं तो मैंने मान लिया इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एन मान लिया। अभी मैंने देखा मोमेंटम आया 2h/λ, मोमेंटम चेंज है ये, चेंज, पर ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, पर सेकंड ऐसा लिखा मैंने, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। कौन बताएगा क्या होता है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? dp/dt। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज फोर्स। इसका मतलब ये क्या निकल के आ रही है? ये फोर्स निकल के आ रही है। अगर मैं यहां पे लेट करूं, लेट एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स वेव के अंदर, कितना आएगा ये? 2nh/λ, ये हो गया nh/λ हो गया। इस लेमडा को क्या लिख सकता हूं मैं? अभी मैंने बताया न्यू का फॉर्मूला क्या है, c/λ, और ये कितना आया, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, c/ν, तो लेमडा की वैल्यू आ गई c/ν आ गई। एक काम करो, यहां से न्यू से मल्टीप्लाई, न्यू से डिवाइड कर दो। अच्छा यार, एन फोटॉन्स के लिए आया है, क्या आया है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, एन फोटॉन्स के लिए इतना आ गया। बोलो ये क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी बन गई ना nh/ν, तो क्या फॉर्मेट बना सकते हैं इसका हम? एनर्जी ये 2E आ गया ना, 2E, टोटल एनर्जी nh/ν, एक फोटोन की एनर्जी h/ν, n की कितनी हो गई nh/ν, तो टोटल एनर्जी 2E, ये क्या बन गया, बाय c, ये आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ रही है, फोर्स निकल के आ रही है, कितनी, 2E/c आ रहा है, सही है, एक फॉर्मेट। यानी कि ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, इतना एग्जर्ट कर रही है। फोर्स एंड प्रेशर है इसका टॉपिक का नाम है ना, मोमेंटम, वेट अ मिनट। लेकिन एक चीज बताओ, देखो क्या है मेरा, ये 2nh/λ(ν) ये आया था, है तो कीड़ा में से दिमाग में ना, एनर्जी ये क्या आ रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम पर सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब नीचे क्या है, टाइम। अगर मैं इस एनर्जी को इस सेकंड के साथ कंसीडर करूं तो ये पावर नहीं बन गई क्या? तो ये क्या आ गई, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड लिख सकता हूं इसको मैं, एनर्जी पर सेकंड। क्या लिखूं इसको, इसको मैंने मार्क किया क्या, सी, और इसको पावर, 2p/c, ये आ गया। तो फोर्स कितनी आ गई, 2p/c आ गई, ये ध्यान रखना, 2 power/c, 2p/c। अच्छा दूसरा, अगर मान लीजिए ये जो सरफेस है ये एब्जॉर्बिंग होती, तो जब तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हारे को ये समझ में आएगा कि जो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं इससे सिंगल एक क्वेश्चन बाहर नहीं है, सेम यही लैंग्वेजेस, यही क्वेश्चंस, यही फॉर्मेशंस, यही सब भरना है। तो यहां पे 2p/c आ गया, इफ सरफेस इज एब्जॉर्बिंग, तो कुछ नहीं करना आप इसको आधा कर दो बस, ये एफ कितना आ जाएगा इधर से, p/c आ जाएगा। बचा कौन, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितनी आई, 2p/c, तो मुझे प्रेशर निकालना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलो क्या आया, 2p/c (a), ये आ गया। वहां पाई लिखा, पाई, वहां से देखो ये p/a क्या बन गया, आई, तो क्या बन गया ये, 2i/c। एक होता है 2p/c, एक होता है 2i/c, तो फोर्स आ गई 2p/c, प्रेशर आ गया 2i/c। और अगर यही चीज ये होती तो इफ सरफेस इज एब्जॉर्बिंग, तो क्या मिलेगा, तो प्रेशर मिलेगा i/c, ये होता है जी। फोर्स होती है पावर बाय सी, 2p/c अगर रिफ्लेक्टिंग है एब्जॉर्बिंग में आधा हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा बचता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आफ्टर द न्यूमेरिकल्स। अभी हमें इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं।
फाइल भेजी हुई है उसमें खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 7 एग्जाम्पल हैं प्लस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करके आना भाई।